RenderForest.com. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज बहुत दिनों के बाद, लेकिन हाँ, मेरी वीडियो आ चुकी है फिर से। तो आज हम खेल रहे हैं फिर से एक बारी माइनक्राफ्ट, और ये है मेरा घर जिसमें मैं रह रहा हूँ। बहुत भारी लाइब्रेरी बना दी है मैंने, तो चलिए बाहर निकलते हैं हम। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे खुद का बनाया हुआ राम मंदिर। अरे उधर उधर, वे जो आपको अभी कुछ दिखा वे कुछ था, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा वे क्या है अलग वीडियो में। तो ये है कुछ मेरी सिटी है। तो राम मंदिर जो आपको सामने दिख रहा है वही है। तो कुछ भयंकर, तो यही है हमारा राम मंदिर। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेड़ भी लगाए हैं, फिर यहाँ पे कितने तोते उड़ रहे हैं। बहुत अच्छी डेकोरेशन मैंने की है, तो कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको डेकोरेशन कैसी लगी है। फिर सामने हमारी जो पानी के बीच में मूर्ति है, और यहाँ पे भी डेकोरेशन की है। चारों तरफ से मैंने रोज़ भी लगाए हुए हैं, बहुत मस्त है। इसके अंदर जा नहीं सकते लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि डेकोरेशन कैसे की, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। पक्का से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके। तो चलिए आपको मैं थोड़ी डेकोरेशन दिखाता हूँ कैसी मैंने की है, देख लीजिए आप खुद। और फिर ऊपर ऊपर मतलब मंदिर की तरह नहीं, थोड़ा मॉडर्न लग रहा है, लेकिन फिर भी है मस्त। ऊपर भी मस्त और बीच में मुझे खुद भी नहीं पता ये क्या मैंने बनाया है, पर ठीक ही ठाक है जो भी बनाया है मैंने। कुछ गंदा भी नहीं है लेकिन ठीक ही है जो बनाया है मैंने। तो यही है, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको। तो ये है राम मंदिर, सजाया तो मस्त है मैंने, ये तो मुझे भी लग रहा है। देखिए मॉडल कुछ तो मिलता जुलता, जैसे कि दो फ्लोर थे ऊपर में वैसे थे, तो मिलता तो है मॉडल भाई, ये तो मानना पड़ेगा। ऊपर वाला ये मैं मानता हूँ कि ऊपर वाला फ्लोर थोड़ा अजीब है, मतलब ये थोड़ा मॉडर्न हाउस टाइप लग रहा है, लेकिन नीचे वाला फ्लोर मस्त है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैंने इसे सजाया कैसा है, ठीक है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, मतलब राम मंदिर बनाया भाई, सब्सक्राइब तो चैनल को कर दीजिए। मतलब सब्सक्राइब करने में आपको क्या जाता है, तो उस रेड बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा और उस घंटे को भी दबा दीजिएगा। देखिए ठीक है ना, तो मैं क्रिएटिव मोड खेल रहा हूँ जो ये कौन इतना टेंशन। अरे घंटा लगा देते हैं यार, हाँ अब सही लग रहा है। हाँ तो उस घंटे जो आपको नीचे दिख रहा है उसको बिल्कुल इस तरह बजा दीजिएगा। यही है हमारी मूर्ति, यहाँ पे है, इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है पर मैं जा रहा हूँ। मस्त है ना, सजावट तो मस्त है। फिर इधर मैंने पौधे लगाए हैं, पूरा सजाया हुआ है। फिर नीचे अब जाके नदी में आप नहाइए, जो आपको करना है करिए। इधर बहुत सारे तोते भी हैं, बहुत सारी गाय बंधी हुई हैं। ये पता नहीं सुबह कहाँ से आ गया है, ये गाय बंधी हुई है। यहाँ पे पौधे सजाए हुए हैं और सब अंदर हैं, बंद हैं कि कोई इन्हें चुरा ना सके। इन्हें इधर बैनर लगे हुए हैं और तोते इधर बहुत सारे हैं, जो कि इस राम मंदिर को और ज़्यादा खूबसूरत करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए राम मंदिर की सैर एक बार और करते। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये राम मंदिर लगा कैसा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, पहले हम नहाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मैं वीडियो डालूंगा, मैं वाटर रोलर कोस्टर भी मैंने बनाया, जिसकी वीडियो मैं अगले बार डालूंगा। इस वीडियो में राम मंदिर का ही वीडियो डालते हैं, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं बिल्कुल अच्छा व्यू लेके। इधर पेड़ लगे हुए हैं बहुत मस्त मस्त, पूरा लैंप लगाया हुआ है मैंने। तोते आ गए हमारे स्वागत करने के लिए। अरे ये कैसे उड़ रहा है, तो अब हम घुस चुके हैं, ये पूरा मस्त। और ये हमारी मूर्ति है, तो झुक जाते हैं हम इसे और फिर घंटा बजा देते हैं। चलिए अब ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने के लिए मैंने सीढ़ी नहीं बनाई है, तो बना दूंगा।
ऊपर ये है हमारी बहुत सारी किताबें गीता बाइबल की, यहाँ पे पेंटिंग है बहुत सारी, लैंप वैम्प रखे हुए हैं, और यहाँ पे पता नहीं है क्या है, मुझे खुद भी नहीं पता, बस मैंने कर दिया जो मन में आया। अब चलिए टॉप फ्लोर पे चलते हैं। टॉप फ्लोर पे यही है जो जैसे राम मंदिर, तो ये है राम मंदिर का व्यू। आप ज़रूर बताइए कि आपको ये लगा कैसा, ठीक है ना। और ये है एंड पोर्टल, जैसा कि मैंने अंडर ड्रैगन को मार दिया। एंड पोर्टल अगर आपको नहीं बनाने आता है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं बनाना सिखा दूँगा। और ये है मेरा रोलर कोस्टर, यही है मेरा वाटर रोलर कोस्टर, जिसकी मैं अगले वीडियो में अगर आप बोले तो ज़रूर मैं डाल दूँगा, ठीक है ना। तो चलिए अपने इसे तो देख ही लिया, तो चलिए अब अपने सिटी में चलते हैं। यहाँ पे मेरे बहुत सारे एनिमल ये सब रहते हैं, खरगोश, जैसे पांडा ये सब भी रहता है, फॉक्स रहते हैं, डॉग रहते हैं, वुल्फ्स रहते हैं, यहाँ पे मछली भी रहते हैं, इसके अंदर डॉल्फिन्स भी होने चाहिए, डॉल्फिन्स, क्योंकि मैंने डॉल्फिन्स, हाँ वे हैं डॉल्फिन, एक हेलो डॉल्फिन, एक ही डॉल्फिन है, सब मर गए क्या। और ये मेरा बहुत सारा घर है, और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये जेल है, जिसके अंदर मैं अगले वीडियो में जाऊंगा। ये जेल है हमारा सेंट्रल जेल, ये अपार्टमेंट है, और फिर ये हमारा घर है, ये दो घर हैं हमारे, ये स्विमिंग पूल है, ये सब हमारा घर है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।